टू गाइड, आज हम लोग करेंगे एप्पल मैनिपुलेशन। एप्पल मैनिपुलेशन में कैसे हम लोग लिप्स यहाँ पे मैनेज करते हैं, कैसे हम लोग आई मैनेज करते हैं, आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं एक नया पेज ओपन कर लूँगी, HDTV सिंपल हमें क्रिएट करना है। फाइल में जाते हैं ओपन, मुझे यहाँ पे एक एप्पल लेना है। हमने यहाँ पे एप्पल लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लूँगी और सिंपल मैं मास्क करूँगी। यहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैंने V प्रेस किया, V फॉर मूव टूल, आप मूव टूल भी ले सकते हो। सिंपल मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, कंट्रोल T से आपको कितना आपको स्केल करना है, कितना आपको अरेंज करना है वो आप कर सकते हो। अब हम लोग लेंगे लिप्स, फाइल में जाते हो ओपन, यहाँ मैंने लिप्स की इमेज डाउनलोड की हुई है। सिंपल मैंने ये इमेज मैंने यहाँ पे ली, मूव टूल मैंने यहाँ पे लिया, क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी हम लोग करेंगे, यहाँ पे स्केल कर सकते हैं, कितना हमें स्केल करना है, कितना हमें मैनेज करना है, कितना हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे वो आप कर सकते हो गाइस। कंट्रोल प्लस मैंने किया यहाँ पे, अगर आपको ब्लेंड करके देखना है ब्लेंड आप कर सकते हो यहाँ से, हार्ड लाइट कैसा आपको ब्लेंड करना है। सपोज मैंने ऐसा कुछ यहाँ ब्लेंड किया हार्ड लाइट में, सिंपल मैं मास्क लेती हूँ। मास्क मैंने किस लिए लिया, ताकि मैं जो इसका बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग रफ कर सके। बी मैंने प्रेस किया, बी से हमारा ब्रश हो गया। चाहो तो गाइस आप लोग ब्रश यहाँ से भी ले सकते हो, ब्रश मैंने लिया, ब्रश से मैं यहाँ पे रिमूव करना है मुझे ऐसा कुछ। गाइस हम लोग ब्रश कर सकते हैं, नीचे वाला पार्ट भी हम ये ब्रश कर लेंगे। डार्कनेस दिखानी है, कितनी आपको लाइटनेस दिखानी है आप दिखा सकते हो गाइस यहाँ पर। आप ऐसा कुछ हमने मैनेज किया, देखिए हमारे लिप्स पर मैनेज हो चुकी है। सपोज अगर आप चाहते हो जैसे कि मुझे कुछ अलग कुछ करना है, सपोज अगर मैं ये नॉर्मल लेती हूँ, नॉर्मल के नीचे वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, अगर आपको इसको रफ करना है रफ आप कर सकते हो। नीचे कैसे कितना आपको रफ करना है, अगर मैं ब्रश का साइज यहाँ पे स्केल करके मैनेज करती हूँ वो भी आप मैनेज कर सकते हो। ऐसा कुछ हमने किया, सिंपल हम लोग यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे लिया। अब मुझे इसके टिथ निकालने, तो टिथ हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी तो मेरे टिथ भी यहाँ पे ब्लेंड हो रहे हैं, लेकिन मुझे टिथ यहाँ पे ब्लेंड नहीं करने, टिथ का मुझे सेम कलर दिखाना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लैसो टूल मैंने यहाँ पे लिया, सिंपल इतना एरिया मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी रफली, मैंने यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्ट किया। इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से देखिए मैंने यहाँ पे लिप्स टिथ आ चुके हैं। सिंपल मैंने इसे ऑन किया, मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ हार्ड लाइट में। यहाँ पे देखो मेरी लिप्स टिथ भी मेरे यहाँ पे नॉर्मल आ चुकी है। यहाँ पे मैं सिंपल मास्क लूँगी, बी प्रेस करूँगी, यहाँ पे मुझे कितना मुझे स्केल चाहिए, कितना आपको मैनेज करना है वो आप कर सकते हो। मुझे अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाना है, गाइस आप देख सकते हो कैसा आपको दिखाना है, कितना आप दिखाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ मैनेज कर सकते हो, कैसा आपको कलर दिखाना है। यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ मैनेज किया। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे यू सैचुरेशन, सॉरी मुझे लेयर प्लस नहीं करनी है गाइस, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं यू सैचुरेशन कैसा आपको कलर चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिपिंग मास्क करूँगी यू सैचुरेशन को, ताकि मेरी लिप्स वाली लेयर पे ही कलर। अब देखो यहाँ पे टिथ वाली लेयर पे आ रही है ना, मुझे टिथ पे नहीं चाहिए, मुझे लिप्स पे चाहिए। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अब अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगी, कैसा आपको कलर चाहिए, कितना आपको कलर चाहिए, ऐसा कुछ कलर, अगर आपको ऐसा कुछ यूज़ करना है आप गाइस ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे लिया, अब मैं इसके लिए तो आई, सपोज फाइल में जाती हूँ ओपन, मैंने यहाँ पे लिया इसकी आई, मैंने यहाँ पे आई की सिंपल मैंने यहाँ पे इमेज डाउनलोड की हुई है, मैंने बी प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, कंट्रोल टी करके हमें कितना मैनेज करना है, कितना हमें अरेंज करना है वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ कितना आपको स्केल करना है, स्केल छोटा करना है बड़ा करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने एंटर किया, इन सबको मैं जो भी लिप्स वाली लेयर है इन सबको मैं ग्रुप बना देती हूँ कंट्रोल जी, और आई वाली लेयर को मैंने मास्क किया, बी प्रेस किया। स्केल आप देख सकते हो गाइस, स्केल आपको कितना करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ मैनेज कर लो। आप चाहते हो तो पहले आप ब्लेंड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ब्लेंड करना है या पहले आपको अपना आउटपुट देखना है या आपको कैसे आपको अरेंज करनी है चीज़ें। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, देखो आई मेरी बिल्कुल ब्लेंड हो रही है, ये मैंने यहाँ पे रफली सा किया यहाँ पर ऐसा कुछ, इसको मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी।
ब्लेंड किया हार्ड लाइट में, तो यहाँ पे ऐसा कोई रेड मेरी आई होगी, लेकिन मुझे रेड आई नहीं करनी। मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैं लूँगी यहाँ पे लेसो टूल। सपोज लेसो टूल मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने इतना मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे इतना लिया, इसको मैं करूँगी यहाँ पे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से मेरी आई यहाँ पे आई आ गई है। अब मैं दोबारा यहाँ पे देखूंगी, यहाँ पे इसको ही मैंने किया कंट्रोल जे, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे। अब सपोज इस वाली आई को मैं ब्लेंड कर सकती हूँ, मुझे ब्लेंड करना है यहाँ पे, अगर हार्ड लाइट में ब्लेंड करना है। मैंने नॉर्मल ब्लेंड किया, ऊपर वाली आई की मैं हल्की से ऑपेसिटी डाउन करूंगी। 66 मैंने यहाँ पे की, इसको ही मैं यहाँ पे 66 जैसा आपको ब्लेंड करना है। ये दोनों की आपकी आई की ऑपेसिटी सेम होनी चाहिए, वरना आपको फर्क काफी ज्यादा चेंज आपका आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 66 मैंने टाइप कर दिया है, सिंपल मैंने ऐसा कुछ किया। अगर आपको कुछ और भी अगर आपको अरेंज करना है, सिंपल आप यहाँ पे एक नई लेयर लो बी प्रेस करो। आपको अगर डेप्थ दिखानी है, किसी चीज़ को आपको मैनेज करना है, तो यहाँ पे आपने सेम कलर मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सिंपल मैं ऐसा कुछ यहाँ पे लिया। मुझे अगर पूरी आई में यहाँ पे डेप्थ दिखानी है, या पानी का मुझे कुछ कलर दिखाना है, वो हम लोग ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया, और मैं सेकेंड लेयर पर मैं सेम यही मैं ऐसा कुछ पिक कर लूँगी। देखो मैंने यहाँ पे रफली किया है, अगर आपको ब्लेंड करना है ब्लेंड भी कर सकते हो इसको। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट लाइट किया, अगर आपको ओपेसिटी हल्की डाउन करनी है वो आप कर सकते हो। फिर अब आपका लिप्स वाला पार्ट, सबको लिप्स में भी अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो लिप्स में ही मैंने यहाँ पे कलर मैंने पिक किया हुआ है यहाँ पे, सिंपल ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे रफली किया है गाइस, ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे किया। अगर मैं इसको ब्लेंड करूँ हार्ड लाइट में ब्लेंड किया, अगर आपको हल्की से ओपेसिटी डाउन करनी है वो आप कर सकते हो। 39 मिनट्स के ऊपर देखिए गाइस यहां पे देखिए गाइस हमने कैसे इसको मैनेज किया है कैसे हमने इसकी डेप्थ दी है कैसे हमने इसको अगर ऐसा कुछ वर्क करने गए तो आप लोग कर सकते हो बहुत इजी है ये अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो तो मैंने ऐसा कुछ बैकग्राउंड रखा चाहो तो आप यहां पे कोई और बैकग्राउंड ले सकते हो गाइस बैकग्राउंड यहां पे काफी सारे हो सकते हो अगर मैं यहां पे ग्रेडिएंट पे जाती हूं यहां से आपको मिलते हैं सपोज मैंने यहां पे डबल क्लिक किया आपको डबल क्लिक करते ही आपको ग्रीन में ग्रेडिएंट ओवरले ले लो ग्रेडिएंट ले लो। यहाँ से आपको काफ़ी सारे अलग अलग कलर मिल जाएंगे, आपको रेड में चाहिए, ब्लू में चाहिए, रेड। सपोज मैं रेड यहाँ पे लिया, रेड में देखिए कैसे आपको कलर करना है, कैसे आपको यूज़ करना है, कितना आप यूज़ करना चाहते हो वो आप ले सकते हो यहाँ पे। सपोज ऐसा कुछ कलर है कि जैसा आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें। चलो थैंक यू सो मच।